हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मिस्टर एंड मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाँ, तो वो घड़ी आ गई जब हम इस घर से विदा लेने वाले हैं। तो आज हम शिफ्टिंग करने वाले हैं और सब आज आपको बिखरा बिखरा सामान दिखेगा, देखो, क्योंकि सब हम सामान पैक कर रहे हैं वो रूम जाने के लिए ना। बग्गू, अब मेरा बग्गू सोच रहा है कि मम्मी कहाँ जा रही है मुझे लेकर, मम्मी मुझे लेकर कहाँ जाने वाली है। ये सोच रहा है कि कहाँ सब जा रहे हैं, सब सामान पैक कर दिए हैं, क्योंकि हम बस दोपहर के टाइम पे खाना वाना खा के हम यहाँ से निकलने वाले हैं दूसरे रूम में। बग्गू 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 देखो ना, बग्गू बहुत बदमाश है। वो ना सब सामान जो पैक किए ना बोरी में, उसको लेकर सब इधर उधर जा रहा है। देखो बेटा कबूतर, तो मैं आपको दिखाती हूँ कबूतर। चावल रखा है, जाके खा ले कबूतर। कुटुरुकु कबूतर बेटा, कबूतर देखो सामान पूरा बिखरा हुआ है। सब सामान पैक किए हम, इतना सारा किचन, अब मतलब कि सिर्फ हम कपड़े, इतने सारे सब कपड़े हैं, सब में कपड़े, बैग वेग सब में कपड़े हैं। सिर्फ कपड़े की अभी पैकिंग हुई है और शूज़ वगैरह चप्पल वगैरह के हो गए हैं, स्लीपर वगैरह का। सिर्फ किचन का बाकी है करना पैक। हमारी सुबह हो गई है, देखो इसको सुबह कैसे बनाते रहता है चाय। अरे पता है चाय बहुत अच्छा बनाता है मेरा भाई। देखो कबूतर आए हैं कितने सारे हैं। देख मैंने चावल रखा है, वो चावल खा रहे कबूतर। अब न्यू लोग यहाँ पे आएंगे ना, तो वो लोग तुमको देंगे खाना खाने कबूतर। मैं दिखा ना उसको, बाबू को दिखा ना, बाबू को कब से देख रहा था कबूतर को। देखो बेटा कितने सारे कबूतर है, खाना खा रहे बेटा। जैसे तुम दूध पीता है ना वैसे वो लोग खाना खा रहे है, चावल को, चावल खा रहे वो लोग, दाने खा रहे अपने। मुंबई में तो बहुत कबूतर मिलेंगे, हम तो सिर्फ ये खाना मैं अभी बना लूँगी फटाफट जल्दी ही। अभी तो सुबह के 8 बजे, लेकिन सिर्फ हम चाय और कुछ खा लेंगे, टोस्ट वगैरह, और उसके बाद मैं खाना बना लूँगी शॉर्टकट में, कोई भी खाना कुछ भी। अभी तो सोच भी सब्जी वगैरह भी नहीं लेके आए, यही सोच करके शिफ्ट हो रहा है। फिर इधर से उधर कुछ भी बना लूँगी, आलू है, आलू का सब्जी बना दूँगी आज, और थोड़ी मटर है, मटर छम्मी, उसको डाल के भाजी बना दूँगी सादा, और रोटी या तो चावल देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो वो फिर उसके बाद किचन का सिर्फ सामान रहेगा पैक करना, बर्तन गैस ये सभी रहेंगे, बोतल्स पानी के, बस यही बचा है ना पैक करने के लिए। क्या ये सब टंगा हुआ है? हाँ, बाकी थोड़े थोड़े मतलब और भी चीज़, मैं एक बोरी और जाएगा, नहीं एक दो बोरी और, बहुत सामान हो जाते हैं, इतने सामान, मतलब कितना कितना इधर उधर करती हूँ फिर भी इतने सारे सामान कहाँ से हो जाते हैं पता नहीं, दिमाग खराब होता है। तो सब में भी ये सब का मैंने पिलो का पूरा जितना कवर वगैरह है, पर्दा वगैरह मैंने परसों ही धो लिया था, सब धो के रख दिया है वहाँ पे जाके सब लगाऊंगी। मैं कल ही शिफ्ट होने वाली थी, लेकिन क्या हुआ परसों हम वहाँ पे घर वो रूम जाके साफ किए, आप ब्लॉग देखे होंगे, तो वो रूम साफ करने के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब कि बहुत थकान आ गया था शरीर में, सर बहुत दुख रहा था, तो इसके वजह से हमने कल नहीं किया और आज हम जा रहे जाने की तैयारी कर रहे हैं। रात में ही सब हमने पूरा पैक किया है, स्पेशल मेरे भाई ने बहुत हेल्प किया, वो हमेशा हर चीज़ में हेल्प करता है, उसको दिल से थैंक यू। मेरा भाई नहीं रहता तो पता नहीं मेरा क्या होता, सब लोग बोलते मेरी बहन नहीं रहती, मेरी माँ नहीं रहती तो क्या होता, लेकिन मैं बोलती हूँ मेरा छोटा भाई, वो भी छोटा भाई है, बड़ा भाई नहीं, मेरा छोटा भाई नहीं रहता तो क्या होता। और मेरा भाई बहुत मुझसे बहुत छोटा है, वो ना वो थोड़ा हेल्दी है और लंबा है, तो इस वजह से वो लगता होगा ज़्यादा छोटा नहीं, लेकिन मेरा भाई एज में मुझसे बहुत गैपिंग है, बहुत ज़्यादा। मेरा भाई पता है मेरे से कितना छोटा है? 11 साल का छोटा है।
जब उसके जन्म हुआ था तो मेरा 11 साल हो रहा था, मई में मेरा 11 साल चढ़ा था, स्टार्टिंग हुआ था और ये अगस्त में टपक गया था। मेरा 10वां मेरा खत्म हुआ था, 11 चढ़ा था और ये आ गया था इस दुनिया में बहुत टाइम बाद। मेरी और मेरी दीदी में ज्यादा, मतलब मेरी और मेरे आप में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन भाई में बहुत फर्क है। मेरी बहन तो बहुत पतली दुबली है ना। लेकिन मेरे भाई से तो और वो बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है वो मेरी बहन। मेरी बहन 4 साल ना, हाँ 4 साल का गैपिंग है, लेकिन वो सबसे छोटी दिखती है। भाई से भी वो छोटी दिखती है। मैं और मेरा भाई हेल्दी है वो, और वो पता नहीं कितना भी खाती है ना, वो सूखी है पता नहीं। वो शादी के टाइम पे अच्छी खासी मोटी हो गई थी, आई थिंक शादी का लड्डू करके वो मोटी हो गई थी। फर्स्ट टाइम उसको मैंने उस टाइम ही देखा है, और फिर एक टाइम जब चैम्बूर में रहती थी ना अभी, हाँ जब चैम्बूर में रहती थी मेरी बहन, मतलब जियाना जब 3 साल की थी ना, 3-4 साल की, तब भी वो मोटी हुई थी, उसके बाद पतली है उसको भी, मतलब दो बार ही उसको मोटे हम देखे। अब पता करना पड़ेगा उस टाइम उसने क्या खाया था। ओ याद बोलूंगी करो, तूने ऐसा क्या खाया था जो वो टाइम मोटी हुई थी। शादी का तो समझ में आता है, खुशी से शायद हो गई होगी, लेकिन चैम्बूर में थी तब भी। भूख नहीं, चलो इधर आ बच्चा। तो चाय भी नहीं ना दे? हाँ तो हम मिल, तो ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ, और शिफ्टिंग के बाद मैं आपसे बात करती हूँ, क्योंकि काम बहुत है और हम ज़्यादा है नहीं। बाबू है, मतलब दो है, आराम से हम काम कर लेते हैं, लेकिन एक को, बच्चे को, अगर बाबू नहीं सोया है तो बाबू को पकड़ना पड़ता है। और गाइस मैं बार बार बोलती है कि ये जो बाबू है ना, वो नहीं सोता है, ये बच्चा नहीं सोता है दोपहर में, ये बच्चा जो जगह रहता है ना, जगह ही रहता है। देखो भाग रहा है, देखो ये भाग रहा है। चाहे पैंट पहन लो बेटा, पैंट पहन लो, ठंडी है ना तो ठंड लगेगा, इधर आ। तो मैं ब्लॉग इन करती हूँ, बाय बाय एवरीवन। मैं एक चीज़ बोलना भूल गई थी, इसलिए मैं फिर से वीडियो बोलना है ये भूल गई थी मैं। लो ये लो, ये लो तुम, बोलना ये भूल गई थी मैं कि हम ये जो रूम शिफ्ट कर रहे हैं, हमें कोई निकाल नहीं रहा है। बात ये है कि जब मैं गांव गई थी ना अभी, तो गाँव गई थी, गाँव से आने के बाद, ससुराल से आने के बाद, जो ऑनर था मतलब मकान मालिक, उससे उस वो आए थे, बट हम यहाँ नहीं थे, तो उनका कॉल आया कि आप कहाँ हो करके। तो हम बोले हम मुंबई वापस आ गए थे वो टाइम। तो फिर उन्होंने बोला कि एक्चुअली रूम आप दूसरा देख लो, क्योंकि मुझे रूम सेल करना है। तो उन्होंने हमें 1 मंथ का टाइम दिया था, मतलब 1 मंथ का, 1 मंथ पहले बोलना पड़ता है। अगर हमें खाली करना है तो हमें भी ऑनर को बोलना पड़ेगा कि हम दूसरा रूम चाहते हैं, हम दूसरे रूम में रहना चाहते हैं, तो आप हम आपका रूम छोड़ना चाहते हो, बट 1 मंथ पहले बोलना पड़ता है ना, क्योंकि वो उनको भी रेंट लगाना रहेगा, तो वो ऑफकोर्स लगाएंगे। तो इस वजह से उनको सेल करना है रूम, कुछ वजह होगी उनको, तो इस वजह से वो रूम सेल कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें दूसरा रूम फटाफट देखना पड़ा। चलो अच्छी बात है कि रूम अच्छा मिल गया, इससे भी अच्छा मिल गया हमें, लेकिन ये गया थोड़ा मेहनत लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि रूम शिफ्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, रूम शिफ्ट करने इतने इतने सामान वगैरह, फिर थोड़ा पैसा भी इधर उधर जाता है, क्योंकि एग्रीमेंट में पैसा जाता है, फिर शिफ्टिंग में पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, टेम्पो वाले बहुत लेते हैं, तो पैसे भी जाते हैं। और क्योंकि मेरा 2 साल का एग्रीमेंट था इस रूम के लिए, लेकिन उसको अभी सेल करना है, तो फिर हमें खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास मेन रीज़न है, अगर कोई ओनर अपना सेल करना चाहता है तो खाली करा सकते हैं, तो इस वजह से हम उसे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात मैं भूल गई थी बातों बातों में, बुग्गू के कारण। बुग्गू को मैं उधर लेने गई तो मेरे दिमाग से वो बात निकल गया था। ठीक है, तो बस हम अब मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू रूम में, न्यू रूम के साथ न्यू ब्लॉग में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।